प्रिय वर्षा, आशा करती हूँ कि तुम सुखरूप होगी। अरे ये क्या, मैं खुद को ही खत लिखने बैठ गई। आज सुबह सुबह 10:30 बजे का समय, तारीख 19 अप्रैल। सुखद दिन है और चाय की चुस्कियों के साथ मैं अपने सारे बीते दिनों में खो गई। सोचा जाए तो मेरी बीती कहानी पर एक रोमांचक उपन्यास लिखा जा सकता है, परंतु मैं कुछ अहम बातों को जो मुझे आज भी सुकून दे जाती हैं, वो ये कि मेरे माता पिता के साथ बिताया समय, वह बचपन व जवानी के दिन, साथ ही सखी सहेलियों के साथ बिताया वो समय, घंटों बातें करना, चाट खाना, पुराने हिंदी गानों को सुनना और भविष्य के सपनों में खो जाना। हाँ, एक बात मैं यहाँ जरूर लिखना चाहूंगी, वो ये कि मैंने अपना कोई लक्ष्य नहीं रखा। उस बात का मुझे आज भी मलाल है। सिर्फ पढ़ना है, इसलिए पढ़ती चली गई। और उस समय मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया कि कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लो, परंतु मैंने उनकी बात नहीं सुनी। खैर, कहने को मैंने एमए किया है, परंतु उसका उपयोग मैं आज तक नहीं कर पाई। फिर शादी हुई, वो तो एक मज़ेदार किस्सा है। शादी भी माता पिता की मर्जी से ही हुई। लड़के ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। जवानी में मेरा रंग रूप काफ़ी अच्छा था। खैर, शादी हो गई और मेरा व मेरे पति का वैवाहिक जीवन शुरू हो गया। हाँ, एक बात जो मुझे मेरे पति की बहुत पसंद है, वो ये कि उन्हें किसी भी चीज़ की गलत आदत नहीं है और वो ना ही कभी हिम्मत हारने वालों में से हैं। हालांकि हमारे उम्र के सभी वैवाहिक जोड़े आज वेल टू डू हैं, परंतु हम आज भी संघर्ष के कगार पर हैं। मुझे याद है वो दिन जब मुझे ऊपर वाले ने दूसरा बहुत प्यारा बेटा दिया और साथ ही साथ 6 महीने में हमारा मकान बिक गया। कहते हैं अच्छे समय के साथ साथ बुरा समय भी आता है। हमारा मकान बिका और हमें अच्छी खासी कीमत मिली और उस पैसे से हम लोगों ने सोचा कि कोई व्यवसाय शुरू किया जाए और सोचा कि हमारे दिन और भी अच्छे हो जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुझे उससे एक सबक मिला, वो ये कि हम लोग 10 साल पीछे चले गए और ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान था। उसके बाद हम लोगों को रिश्तेदारों के सही रंग दिखाई दिए, उनके ताने और उनकी बहुत सी बातें जो बहुत दर्द दे गई। परंतु हाँ, इन परेशानियों में और संघर्ष के समय में मेरा बड़ा बेटा मैच्योर होता चला गया और उसे देख देख कर मेरा छोटा बेटा भी मैच्योर हो गया। आज सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है, साथ ही साथ अपने पति की हिम्मत और मेरे दोनों बच्चों की समझदारी और होशियारी पर गर्व भी होता है। 40 की उम्र में व्यवसाय में नुकसान खाया और उसके बाद पति ने IT में कदम रखा। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी और मेरे दोनों बेटों को आज हम अमेरिका में उच्च शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सके। अमेरिका आने से पहले भी काफी लोगों ने कहा कि वेस्टर्न कल्चर में बच्चे बिगड़ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या, परंतु मेरा मानना है कल्चर कहीं का भी गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता, उसे सही या गलत इंसान बनाते हैं और बच्चों की पहली पाठशाला उसके माता पिता होते हैं। वहीं से बच्चा सब कुछ सीखता है और मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों पर कोई भी गलत आदत का प्रभाव नहीं पड़ा। शायद मैं आज कुछ ज़्यादा ही लिख गई और अंत में इतना ही कहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत धनी नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं करोड़पति हूँ, क्योंकि मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। चल, अब समाप्त करती हूँ। वर्षा, जो आज शादी के बाद उमा के नाम से जानी जाती है।